हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है आज, इसमें हम लोग आज बात करेंगे रिटेंशन बोनस के बारे में कि रिटेंशन बोनस क्या होता है, किसको दिया जाता है और क्या हर एक को मिलता है कि नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है लोग नहीं जानते हैं, तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने इस बार कोई सिचुएशन नहीं लिया है, नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया है जो सबके दिमाग पर रहता है कि व्हाट इज रिटेंशन बोनस एंड इज इट फॉर एवरीवन। क्या रिटेंशन बोनस क्या होता है और क्या ये हर एक के लिए है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि रिटेंशन बोनस बेसिकली होता क्या है। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, रिटेंशन बोनस इज ओनली गिवन व्हेन अ पर्सन इज रिटेन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल टाइम्स एट एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज एक्विजिशन और मर्जर। तो यहाँ पे नॉर्मली जो लोग समझते हैं कि रिटेंशन बोनस तभी दिया जाता है जब किसी पर्सन को रिटेन किया जाता है। अब रिटेन करने का मतलब वो होता है जब किसी कोई पर्सन जब कंपनी छोड़ रहा होता है और वो आउट परफॉर्मर होता है, बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करता है और की एम्प्लॉय होता है कंपनी के लिए। जब कोई ऐसा पर्सन कंपनी को छोड़ रहा होता है और उस समय जब कंपनी उसको रिटेन करती है तो कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स देती है, तो जो वो मॉनेटरी बेनिफिट्स देती है उसको हम रिटेंशन बोनस बोलते हैं। अब रिटेंशन बोनस तो पहले टर्म में ऐसे ही दिया जाता है, लेकिन दूसरे सिनेरियोज में भी दिया जाता है। अब वो दूसरे सिनेरियोज कौन से हैं? सबसे पहले अगर मान लीजिए आपकी कंपनी जो है बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम से निकल रही है, अगर उस कंपनी का एक्विजिशन हो जाता है या किसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, उस केस में भी कंपनियां रिटेंशन बोनस देती हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, पहला या तो जब किसी पर्सन को निकाला जाता है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तब उसको रिटेंशन बोनस दे के कंपनी में रखने की कोशिश की जाती है और रखा भी जाता है, और दूसरा जब स्ट्रेसफुल टाइम्स में जब एक्विजिशन और मर्जर होता है उस समय जो है कंपनी रिटेंशन बोनस देती है अगर उसकी कंपनी के एम्प्लॉय को निकाला नहीं जाता है। ठीक, तो ये तो पहला पॉइंट था। अब दूसरे में, सो इट्स अ काइंड ऑफ इंसेंटिव टू कीप अ की एम्प्लॉय ऑन द जॉब ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर क्राइसिस क्रूशियल बिजनेस साइकिल। तो ये एक प्रकार का इंसेंटिव ही होता है जो कि की एम्प्लॉय को दिया जाता है या जो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो कंपनी छोड़ के जा रहा है तो उसको दिया जाता है ऑन द जॉब ड्यूरिंग पर्टिकुलर क्रूशियल बिजनेस साइकिल। अब क्रूशियल बिजनेस साइकिल क्या होता है? जब बहुत ज्यादा क्रूशियल समय चल रहा होता है कंपनी के लिए और कंपनी जो है हार्ड टाइम से गुजर रही है और उस समय वो नहीं चाहती कि उसका कोई बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय जो कि कंपनी को काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है या बहुत अच्छा काम करके दे रहा है, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, तो ऐसा कोई पर्सन वो नहीं चाहती कि कंपनी से चला जाए, क्योंकि वो चला जाएगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी का ही लॉस होना है। तो ऐसे क्रूशियल समय पे जो है कंपनी क्या करती है, उस पर्सन को रिटेन करने के लिए रिटेंशन बोनस देती है। अब यहां पे एक चीज जरूर बता दूं कि जो मैंने क्वेश्चन पे भी डाला हुआ है कि इज इट फॉर एवरीवन, नहीं, ये हर एक के लिए नहीं है, ये उसी पर्सन के लिए है जो कि आउट परफॉर्म करता है कंपनी में, बहुत ही अच्छा जॉब करता है और जब वो छोड़ के जाता है उसी को दिया जाता है, ये हर किसी को नहीं दिया जाता है, ये जरूर अपने दिमाग में बैठा लें आप। फिर अगला है, यूजली रिटेंशन बोनस आर साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी। रिटेंशन बोनस जो है एक प्रकार का मॉनेटरी बेनिफिट होता है, तो पैसे ही दिए जाते हैं इसमें और कोई बेनिफिट जो है नहीं दी जाती है। ये साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी होता है जिससे कि जो पर्सन है जो कि कंपनी को छोड़ के जा रहा है वो खुश रहे। तो इसमें क्या होता है, रेंजिंग फ्रॉम 10% टू 25% ऑफ द एम्प्लॉयज बेस सैलरी, जो भी एम्प्लॉय है जो कंपनी छोड़ के जा रहा है उसकी जितनी भी बेस सैलरी बनती है उसका 10 से 20% तक जो है रिटेंशन बोनस दिया जाता है। अब द टाइम द एम्प्लॉय एग्रीज टू रिमेन इन द कंपनीज एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पैकेज। अब यहाँ पे जो आखिरी पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की है वो ये है कि 10 से 25% तो एम्प्लॉय की जो बेस सैलरी बनती है उसके बेसिस पे जो है रिटेंशन बोनस दिया जाता है कंपनी में। अब जब उस बेसिस पे उसको रिटेंशन बोनस दिया जाएगा तो वो इस टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, जो भी एम्प्लॉय है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि क्या वो उस पैकेज से खुश है। अगर उस पैकेज से खुश है तो उस कंपनी में रहने चाहेगा, अगर उस पैकेज से खुश नहीं है तो वो उस कंपनी में नहीं रहना चाहेगा। इट्स टोटली इंडिविजुअल चॉइस, हर एक की अपनी चॉइस होती है। अगर वो चाहता है कि नहीं मुझे अभी भी मूव ऑन करना है, मैं नहीं रुकना चाहता, तो वो उसके बाद भी जा सकता है। अगर रुकना चाहता है तो इट्स अ हैंडसम अमाउंट टू गेट, है ना। तो ये है दोस्तों, अब
अगला आता है, रिटेंशन बोनस आर मोस्टली कॉमन इन लार्जर कंपनीज विथ ओवर 20,000 एम्प्लॉयज अक्रॉस द ग्लोब। रिटेंशन बोनस उसी कंपनीज में दिया जाता है जहां पे जो है उस कंपनी की टर्नओवर अच्छी है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, जहां पे 20,000 से ऊपर की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, उन्हीं लार्जर कंपनीज में अधिकतर रिटेंशन बोनसेस दिए जाते हैं। या फिर मैं नॉर्मल टर्म में बोलूँ तो जो भी एमएनसीज हैं उनमें जो है रिटेंशन बोनसेस दिए जाते हैं। कंपनीज अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री ऑफर रिटेंशन बोनस यूजुअली टू टॉप लेवल और की एम्प्लॉयज। तो जो कंपनीज, इससे पहले ही मैंने बता रखा है कि जो भी रिटेंशन बोनस हैं वो केवल टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को मिलते हैं जो कि हायर पोजीशंस में हैं, और की एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं रिटेंशन बोनस, ठीक है। और या फिर जो भी पर्सन जो है छोड़ रहा है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको कंपनी रिटेन करने के लिए देती है रिटेंशन बोनस। फिर आखिरी जो पॉइंट है वो है, इंक्रीजिंगली कंपनीज ऑफर दीज बोनस टू कीप कंपिटिटर्स फ्रॉम पोचिंग वैल्यूबल एम्प्लॉयज। अब मार्केट में एक बहुत भयंकर ट्रेंड जो चलता है वो ये है कि जो कंपनीज के एम्प्लॉय होते हैं वो कंपटीटर को जाके ज्वाइन कर लेते हैं, जो कंपनीज के कंपटीटर हैं उनको जाके ज्वाइन कर लेते हैं। अब कारण क्या होता है, अब रिक्रूटमेंट में एक टर्म होती है हेड हंटिंग। अब हेड हंटिंग क्या होती है, हेड हंटिंग में जो भी कंपटीटर कंपनी है वो क्या करती है, अपने रिक्रूटर्स को बोलती है कि तुम हेड हंट करो और जो सामने वाली कंपनी है जो कंपटीटर कंपनी है उससे की एम्प्लॉय लेके आओ। वो कोई भी कॉस्ट लगे कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी चाहती है कि उनके की एम्प्लॉय हमारे पास आ जाए, ठीक है, ताकि जो सामने वाला बंदा है जो कि उस कंपनी का की एम्प्लॉय है वो यहाँ पे आएगा, इस कंपनी में आएगा तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। तो इस कारण से भी जो है कंपनियां रिटेंशन बोनस अपने एम्प्लॉयज को देती हैं अगर वो कंपनी छोड़ के जाता है तो। आज के पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिनको इसके बारे में नहीं पता आप बिल्कुल शेयर कीजिए और उनका भी ज्ञान बढ़ाइए। और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे मैं और भी अच्छे कंटेंट जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।